हिमालय किस्त नंबर 128। विक्टर मोरले के बारे में एडा डिम्पल का ख्याल गलत नहीं था। वो दर हकीकत इससे कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, बस उसे अपने लिए एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो आंखें बंद करके उस पर एतबार कर सके। उसने एडा डिम्पल को, जिसका नाम उसके ख्याल के मुताबिक फिल्मीना था, शीशे में उतारने के लिए वो तमाम कार्रवाइयां कर डाली थी जो एक मर्द औरत के लिए कर सकता था, और उसे यकीन था कि फिल्मीना वक्त मुकर्रर पर कार लेकर उस जगह पहुंच जाएगी जहां से उसे फरार होने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। उसने फिल्मीना को मीनार के पास जाने के लिए कहा था और उनके दरमियान यही फैसला हुआ था कि वहां पहुंचकर मूर्ति को छुपाने का बेहतर बंदोबस्त कर लेंगे और फिर वहां से होटल फराज वापस आ जाएंगे। इसके बाद मुनासिब वक्त पर उस मूर्ति के हीरे हासिल करके वो यहाँ से चल पड़ेंगे। लेकिन दरहकीकत मोरले का प्रोग्राम दूसरा ही था। उसने जो कार एडा डिम्पल को दी थी इसकी एक चाबी अपने पास रखी थी ताकि वो वक्त जरूरत उसे इस्तेमाल कर सके। सरे शाम ही वो इस मंदिर में दाखिल हो गया था और उस मुहाफिज की ताक में लग गया था जो जसामत में इसी की तरह था। मुहाफिज उसे थोड़ी देर के बाद ही दस्तयाब हो गया और उसने उसे बासानी गर्दन दबाकर मार डाला। इसके बाद मुहाफिज का लिबास पहनने में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। उसने पहले ही वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी जो मुहाफिज का रूप धारने में मुआविन साबित हो सकती थी। चुनाचे अपने इस काम से फारिग होने के बाद वो बासानी उस मुहाफिज की जगह तैनात हो गया। यहाँ वो सिर्फ तनहाई मुहाफिज नहीं था बल्कि दूसरे मुहाफिज भी थे जिनकी ड्यूटी दूसरी तरफ लगी हुई थी। आखिर वो वक्त आ गया जब उसे अपनी कार्रवाई पर अमल करना था। चुनाचे वो वहां से आगे बढ़ गया। हीरों से जड़ी हुई मूर्ति इसकी निगाहों में घूम रही थी। इससे फूटती हुई रोशनी इसके जहनों दिल को मुनव्वर की हुई थी। वो एक बहुत बड़ी और बहुत कीमती शय हासिल करने के लिए तैयार था। अलार्म सिस्टम इसके तौकात के मुताबिक बहुत सीधा साधा था। विक्टर मोरले जैसे शख्स के लिए इसको नाकाम बना देना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसकी निगाहों ने फौरन ताड़ लिया था कि बिजली के तार कहां से कहां तक जा रहे हैं और अब वो अपना काम अंधेरे में आंखें बंद करके भी कर सकता था। वो आगे बढ़ गया। मंदिर के अकबी हिस्से की दीवार फैलांग कर वो अंदर उस हिस्से में दाखिल हो गया जहाँ से मूर्ति वाले कमरे की तरफ जाया जा सकता था। चुनाचे वो एक गैलरी से गुजरता वो उस दूसरी गैलरी में पहुंच गया जहाँ से मूर्ति के हाल के अकबी हिस्से में पहुंच सकता था। वहां पहुंचकर उसने एक शीशा काटा और अंदर डालकर चटखनी खोल दी। वो इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने शीशे के शोकेस को तोड़ने के लिए हाथ पर एक कपड़ा लपेटा और शीशे पर एक मुक्का मारा, लेकिन मुक्का मारते ही सायरन की एक खौफनाक आवाज रात के सन्नाटे में बुलंद हो गई। तब विक्टर मोरले को अंदाजा हुआ कि कोई बारीक सा तार शीशे के अंदर से भी गुजर रहा है। उसने पलक झपकते में मूर्ति उठाई और बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ बाहर निकल आया। उस वक्त तक तमाम मुहाफिज होशियार हो गए थे और चारों तरफ से रोशनियां होने लगी थी। जब उसने दीवार पर से छलांग लगाई तो पहला फायर हुआ मगर गोली कुछ फासले पर दीवार में लगी। दूसरा फायर उस वक्त हुआ जब वो कूद चुका था। वो बर्क रफ्तारी से दौड़ रहा था। वैसे उसे अंदाजा था कि मुहाफिज की दोनों ही बंदूक की फायर कर रही है और अब इसको दोबारा गोले भरने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन सायरन की आवाजों और फायरिंग की आवाज से इर्द गिर्द के लोग मुतवज्जो हो गए थे। हर चंद के यहाँ आबादी नहीं थी लेकिन सयाह बाहर तौर मौजूद थे। वो फुर्ती से दौड़ने लगा। इसके पैरों में पंखे लगे हुए थे। दूसरे लम्हे उस जगह पहुंच गया जहाँ उसने फिल्मीना को कार खड़ी करने के लिए कहा था। कार को देखकर उसकी आंखें मुसर्रत से चमक उठी। गोया मासूम फिल्मीना अपना काम बखूबी अंजाम दे चुकी थी और अब वो मीनार के करीब उसकी आमद का इंतजार कर रही होगी। विक्टर मोरले ने मुस्कुराते हुए जेब से चाबी निकाली और कार का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन उसकी आंखें ये नहीं देख सकी थी कि इस कार में दाखिल होने से कबल तारीकी में एक साय रिंगता हुआ आया था और दूसरी जानब कार का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। उसने कार स्टार्ट की और उसे रिवर्स करके बाहर लाया। इस दौरान मंदिर के अतराफ में हंगामा बरपा हो रहा था। लोगों को सही सूरत हाल का तो अंदाजा नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि ये मंदिर कीमती मूर्ति की वजह से बहुत मशहूर है। मुमकिन है किसी ने मूर्ति ही चुरा ली हो। चुनाचे वहाँ भाग दौड़ हो रही थी, लेकिन ऐसे इंतजाम वहाँ नहीं थे कि फौरन ही चोर का ताकुब किया जा सकता। चुनाचे इस दौरान विक्टर मोरले को वहाँ से फरार होने का पूरा पूरा मौका मिल गया था। कार बर्क रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी और विक्टर मोरले का दिल खुशियों से भरा हुआ था। बेचारी लड़की मीनार के पास खड़े मेरा इंतजार कर रही होगी। चांदनी रात में उसे हर सयाह पर मेरा धोखा हो रहा होगा। उसकी निगाहें मेरा इंतजार कर रही होंगी, उसे मुस्कुराते हुए सोचा और एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। कार काफी तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। रफ्तार बताने वाली सुई 80 और 90 के दरमियान लड़ रही थी। उसने अपने तौर पर एक नक्शा तरतीब दे लिया था जिसके तहत उसे आगे रवाना होना था। वो अगर चाहता तो फिल्मीना को कत्ल भी कर सकता था, क्योंकि उसे गलती हो चुकी थी जिसका उसे शिद्दत से एहसास था। गलती ये थी कि उसने मिस्टर पीटर के बारे में से तफसीलात बता दी थी। ये हकीकत थी कि पीटर फॉक्सन ही वो मूर्ति फरोख्त करने का मुआहदा पहले ही कर चुका था और उसने इन्हें इत्तला दे दी थी कि वक्त मुकर्रर पर वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में विक्टर मोरले को ये एहसास था कि उसने इस लड़की को एतमाद हासिल करने
एतमाद हासिल करने की कोशिश में इस पर यह इंकशाफ करके गलती की है। अब अगर वो किसी तरह पुलिस तक पहुंच जाती है तो पुलिस उसे मिस्टर फॉक्सन के अतराफ में तलाश कर सकती है। इसके लिए उसे कोई ऐसी कार्रवाई करनी होगी जिससे पीटर फॉक्सन से रابطہ बाद में कायम कर लिया जाए। इसे इतला दी जा सकती है कि पहले वो अपने अतराफ से बाखबर हो जाए, इसके बाद ही पीटर फॉक्सन से मुलाकात करेगा। इस गलती का उसे बाद में एहसास हुआ था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। वो बेचारा नहीं जानता था कि जिस शख्सियत के बारे में उसने अपने तौर पर ये सब कुछ सोचा है वो क्या चीज है। बिलाखिर उसे शहर की रोशनियां नजर आने लगी। इस शहर के बारे में उसे पहले इल्म था। इसका प्रोग्राम यही था कि इस कार को इसी शहर में छोड़ देगा और यहाँ से बजरिया ट्रेन वहां रवाना हो जाएगा, जो अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रही थी। शहर का फासला अब 4-5 मील से ज्यादा नहीं था और वो पूरे इत्मीनान से कार चला रहा था। दफ्तर उसे कार के अगले हिस्से में कुछ सरसराहट से महसूस हुई। फितरी तौर पर उसका पांव एक्सीलेटर से हट गया और कार की रफ्तार सुस्त होने लगी। चूंकि कार स्पीड से जा रही थी, इसलिए एक्सीलेटर पर पांव हटाने में कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद रफ्तार इस हद तक सुस्त हो गई कि उसे गियर तब्दील करके इसे गियर में लाना पड़ा जो इसकी रफ्तार के मुताबिकत रखता था। सरसराहट की वजह से उसकी समझ नहीं आ सकी थी, लेकिन फिर एक ठंडी सी गोल शय इसकी गर्दन से आ चिपकी। कार की रफ्तार इतनी थी कि उसे कोई खतरा नहीं रहा था। विक्टर मोरले एक लम्हे के लिए शशधर रह गया। वो इस ठंडी शय को बखूबी जानता था और पहचानता था। ये पिस्तौल की नाल थी। मेरा ख्याल अब गाड़ी रोक दो, अकब से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। इसका पाँव भी इख्तियार ब्रेक पर जा पड़ा। रफ्तार ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अच्छा खासा झटका लगा था। कार सड़क के बीचों बीच रुक गई। विक्टर मोले ने हैरत से पलट कर देखा। फिल्मीना उसके सामने मुस्कुरा रही थी। हाँ डेर, ये जरूरी था। ये शुभ था कि तुम्हारे पास डुप्लीकेट चाबी मौजूद होगी। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ बसर करने का मंसूबा बना चुकी थी। देख लो इंसान के ख्याल कितने नापायदार होते हैं, क्या वो किसी के बारे में भरोसे से कुछ कह सकता है, फिल्मीना ने कहा। विक्टर मोले के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, कोई ऐसा लफ्ज नहीं था इसके पास जिसके जरिए अब इस लड़की को मुतमिन कर सकता। चंद लम्हात वो हैरत से आंखें फाड़े से देखता रहा। दफतन इसके जहन ने पलटी खाई। उसने सोचा कि आखिरी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, चुनाचे वो गहरी सांस लेकर हाथ उठाता हुआ बोला, ये पिस्तौल पीछे कर लो। मेरे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार हो गई हो फिल्मीना? हाँ हाँ, शायद ऐसा ही है। लड़की ने पिस्तौल पीछे हटा लिया। विक्टर मोले के जहन को सुकून का हल्का सा एहसास हुआ। पिस्तौल का हट जाना उसके लिए गैर मुतवक्को था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि लड़की एकदम इसकी बात मान लेगी, लेकिन बदहवासी में खुद भी जेन पर ज़्यादा दौर नहीं दे सका। इसने सोचा नहीं था कि जो लड़की इतनी चालाकी से उसका ताकुब करते हुए यहाँ तक आ सकती है, वो भला एकदम इसकी बातों के जाल में कैसे आ जाएगी। ताहम बदहवासी ही के अंदाज में हकला हकला कर कह रहा था, दरअसल सूरत इतनी खतरनाक हो गई थी कि मैं फौरी तौर पर और कुछ ना कर सका। लेकिन जानती हूँ डेयर, मेरा क्या प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम था डेयर, लड़की ने सुकून से कार की पीछे सीट से कमर टिकाते हुए कहा। मैंने सोचा था कि ये शहर जो नजर आ रहा है इसमें पहुंचने के बाद कार छोड़ दूंगा और फौरी तौर पर दूसरी कार लेकर यहाँ पहुंचूंगा। दरअसल मंदिर के अतराफ में बड़ा हंगामा बर्पा हो गया था, मुझ पर गोलियां चलाई गई थी। कई गोलियां मेरे अतराफ से इस तरह निकली कि मैं बाल बाल बचा, और उस वक्त इसके अलावा और कोई सूरत हाल नहीं थी कि मैं फुर्ती से कार तक पहुंचूं और उसे लेकर निकल भागूं। मुमकिन हमारा ताकुब किया जा रहा हो और उस वक्त तक मंदिर के मुहाफिज इस कीमती मूर्ति की चोरी हो जाने की इत्तला पुलिस को दे चुके हों। हमें जल्द अज जल्द शहर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन हैरत की बात है कि तुम हैरत अंगेज तौर पर इस कार में मौजूद थी। जी हाँ, कुछ बातें हैरत अंगेज तौर पर तकमील पा जाती हैं डेयर ब्रॉनसन। क्या मतलब? मतलब यह है कि हैरत अंगेज तौर पर तुम्हारी जेब में इस कार की डुप्लीकेट चाबी मौजूद थी। ओह, विक्टर मोले ने एकदम नर्वस हो गया। इस बात के इसके पास कोई जवाब नहीं था। इसका हाथ गैर महसूस अंदाज में अपनी जेब की जानब रेंग रहा था जिसमें पिस्तौल मौजूद था। फिर तुम क्या कहते डेयर, मुझे ये तो बताओ, लड़की ने सवाल किया। वो विक्टर मोले की तरफ से बिल्कुल लापरवाह नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है डेयर तुम अगली सीट पर आ जाओ, हम गाड़ी लेकर तेजी शहर चलते हैं। ये बड़ा अच्छा हुआ कि तुम इत्तफाकी तौर पर मेरे साथ आ गई। शहर पहुंचकर हम इस कार से छुटकारा पा लेंगे, इसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं यहीं से आ जाती हूँ, लड़की ने कहा और पिछली सीट से छलांग मारकर अगली सीट पर विक्टर मोले के बराबर बैठ गई। विक्टर मोले कार के स्टीयरिंग जाने में मुतवज्जो हो गया, लेकिन दूसरे लम्हे लड़की ने हाथ बढ़ाकर स्विच ऑफ कर दिया। अरे रे, ये क्या, अभी थोड़ी सी गुफ्तगू बाकी रह गई है डेयर, क्या कहना चाहती हो। ये कि तुम मुझे दोबारा शहर से लेने के लिए आते, क्या यही प्रोग्राम था ना तुम्हारा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे लहजे में शुबे की झलक है। अरे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे ये बताओ, क्या तुम मूर्ति हासिल करने में कामयाब हो गए? क्यों नहीं, देखो ये मौजूद है। विक्टर मोले ने मूर्ति की तरफ इशारा किया। मकसद यही था कि लड़की जो ही मूर्ति की तरफ मुतवज्जो होगी वो फुर्ती से पिस्तौल निकालने में कामयाब हो जाएगा, और यही हुआ। लड़की जो ही मूर्ति की तरफ मुतवज्जो हुई, विक्टर मोले ने पिस्तौल निकालकर उसकी कनपट्टी पर रख दिया। हाँ डेयर, तो ये सूरत हाल
मुझे यकीन है कि अब तुम मुझे कार स्टार्ट करने की इजाज़त दे दोगी, मोरले ने कहा। लड़की एक लम्हे तक उसे देखती रही, फिर उसके हलक से एक कहका सा निकल गया। विक्टर मोरले, तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ सुना था, मैं महसूस करती हूँ कि वो गलत था। मुमकिन इतफाक़ा तुम्हारे साथ देते हों तो तुम यूरोप में अपनी शानदार वारदातें करने में कामयाब होते रहे हो, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है कि इस बार तुम्हारा वास्ता एक गलत हस्ती से पड़ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शुरू ही से मेरे साथ बहुत मोहब्बत और प्यार का सलूक करते आ रहे हो। तुम अपना नाम भी शायद मुझे इसीलिए गलत बताया था और आज तक इस प्रकार बन रहे हो। विक्टर मोरले के हवास अब जवाब देते जा रहे थे, लेकिन पिस्तौल उसके पास मौजूद था। फिर उसके होंठों पर एक जहर खनसी मुस्कुराहट फैल गई। तुम जरूर से ज्यादा जानती हो डेयर, होना तो ये चाहिए था कि मैं तुमसे तुम्हारे बारे में मालूम हासिल करूँ, ये मालूम करूँ कि तुम कौन हो और विक्टर मोरले को कैसे जानती हो, लेकिन अफसोस फिल वक्त इसका मौका नहीं, चुनाचे तुम रुखसत हो जाओ। हाँ, खबरदार पिस्तौल करके देने की कोशिश मत करना, मेरे पिस्तौल में 6 गोलियां हैं और शायद वो सब तुम्हारे लिए हैं। वो तुम्हारे पिस्तौल में नहीं है डेयर, वो अब मेरी जेब में है, फिल्मीना ने जवाब दिया और विक्टर मोरले एक लम्हे के लिए बौखला गया। इसके बदन में सर्दी सी दौड़ गई, लेकिन अब इंतजार बेकार था। उसने ट्रैगर पर दबाव डाला और फायर कर दिया, लेकिन पिस्तौल से टीच की आवाज़ निकल कर रह गई और अब विक्टर मोरले का बदहवास हो जाना यकीनी था। वाकई डेयर मोरले, होना तो ये चाहिए था कि हम दोनों किसी मुनासिब मुकाम पर बैठकर दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करें और एक दूसरे के बारे में मालूमात हासिल करें और मालूमात फराहम करें, लेकिन तुम्हारी बात मुझे दुरुस्त लगती है। मुमकिन है पुलिस वाकई शहर से बाहर चल पड़ी हो, इसे इंतजार करना मुनासिब नहीं है। लड़की ने पिस्तौल विक्टर मोरले की पेशानी पर रखा और दूसरे लम्हे मोरले की पेशानी में सुराख हो गया। इसके बाद तशंदी अंदाज में फैले, लेकिन लड़की बहुत मुस्तैद और फुर्तीली थी। वो जल्दी से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई, फिर घूमकर उसने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और विक्टर मोरले को घसीट कर नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो इत्मीनान से स्टेयरिंग पर बैठ गई और स्टेयरिंग साइड का दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने कार चंद गज आगे बढ़ाई और फिर ब्रेक लगाकर उसे रोक दिया। ब्रेक लगाने के बाद उसने विक्टर मोरले का निशाना लेकर 3 फायर किए और ये इत्मीनान हो जाने के बाद के अब विक्टर मोरले की ज़िंदगी नामुमकिन है, इसने कार तेज़ी से आगे बढ़ा दी। बात सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं थी कि नुमान खान को शीरान की तलाश थी, बल्कि अब उसे तंजीम की तरफ से एक अहम ओहदा दे दिया गया था। और दिलचस्प बात यह थी कि तंजीम की तरफ से उसे यह भी हुक्म दिया गया था कि शीरान को तलाश करके गिरफ्तार करे। चुनाचे नुमान खान नहायत मुस्तैद था। सियाराम के साथ सफर करते हुए रास्ते के मुख्तलिफ शहरों में रुका, रज़ाक खान भी उसके साथ था। इन शहरों में कई दिन रुक कर उसने शीरान के बारे में मालूमात हासिल की और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि शीरान इन रास्तों से गुजरा है नहीं, लेकिन बदकिस्मती थी कि इसकी अब तक उसे शीरान के बारे में पता नहीं चल सका था। कोई भी शख्स ये बताने से कासिर रहा था कि इस किस्म का कोई कबायली इन रास्तों से गुजरा है। नुमान खान को भी बखूबी एहसास था कि शीरान की तलाश के लिए वो जो कुछ कर रहा है यह कोई ठोस काम नहीं, इसकी तलाश के लिए कोई ऐसा मनसूबा बनाया जाए जिससे वो काबू में आ सके। बहुत गौर व खोज कर रहा था वो इस सिलसिले में, लेकिन दिमाग किसी तौर साथ नहीं दे रहा था। सियाराम ने अपनी तमाम तर खिदमत उसके लिए वक्फ कर दी थी और उसे हर तरह की सहूलत बहुम पहुंचा रहा था। रज़ाक खान भी सफ़र में नुमान खान का साथी था, लेकिन वो कोई बामल इंसान नहीं था। नुमान खान ने अपने भाइयों को इस कदर आसानियां फराहम कर दी थीं कि वो अब ऐशप्रस्त हो गए थे और ज़िंदगी की तफरीहात के अलावा उन्हें और किसी चीज़ से दिलचस्पी महसूस नहीं होती थी। हरचंद के शीरान के सिलसिले में रज़ाक खान भी संजीदा था, लेकिन वो बार बार ये सोचने पर मजबूर के शीरान की तलाश इस कदर आसान काम नहीं जितनी नुमान खान समझ रहा है। ताहम वो बड़े भाई की किसी बात पर तारुज नहीं कर सकता था, इसलिए खंदा पेशानी से उसके साथ मसरूफ़ अमल था। सफ़र करते भी आखिर दहली पहुँच गए। सियाराम खुद भी थका हुआ था, दोनों कई बार इस सिलसिले में गुफ्तगू कर चुके थे, कोई सूरत हाल समझ में नहीं आ रही थी। सफ़र ख़त्म हो गया था और अब सियाराम ने नुमान खान के क्याम के लिए एक बेहतर रहायशगाह फराहम कर दी थी। इस रहायशगाह के एक पुरसकून गोशे में बैठा हुआ नुमान खान इस वक्त भी आने वाले वक्त के बारे में गौर कर रहा था। क्या करना चाहिए? ना ही एडना डिम्बल के बारे में पता चल सका और ना ही शीरान के बारे में। अगर वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा तो किसके बारे में ये नहीं सोचा जाएगा कि जो ओहदा उसे दिया गया वो इसके काबिल नहीं। कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर शीरान के बारे में तो मालूम होना ही चाहिए। बाकी रही बात एडना डिम्बल की, तो सिलसिले में उसे कोई खास जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। काफ़ी देर तक गौर खोज करने के बाद उसने टेलीफोन पर सियाराम से रबता कायम किया और थोड़ी देर के बाद ये रबता कायम हो गया। मिस्टर सियाराम, मिस्टर पेरी पाउल के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। पेरी पाउल? सियाराम ने सवाल किया। हाँ, पेरी पाउल को एक मिशन पर यहाँ भेजा गया है, वो लोग एडना डिम्बल की तलाश में सरगर्दा हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अब तक
एडा डिम्पल की तलाश के सिलसिले में क्या किया है। इत्तफाक की बात है मिस्टर नुमान खान के, मुझे मिस्टर पेरी पाउल के बारे में तफसीलात नहीं बताएगी। ताहम अगर मैं वजारत दाखिला से रबता कायम करके ये मालूम करने की कोशिश करूँ तो मुझे इसमें नाकामी नहीं होगी। अगर आपकी हदायत है तो मैं इस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, सियाराम ने जवाब दिया। बराह करम इस पर अमल कीजिए और ये मालूम कीजिए कि पेरी पाउल ने किस तरह हुकूमत से रबता कायम किया या नहीं, या फिर उन्हें एडा डिम्पल के बारे में कुछ मालूम मिल सकी या नहीं। जी बेहतर, मैं इस सिलसिले में मालूम करके आपको इत्तला दूंगा। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद नुमान खान ने टेलीफोन बंद कर दिया। रजाक खान के कदमों की आवाज़ उसे सुनाई दी। रजाक उसके पास पहुंच गया। आओ रजाक खान, भाईजान मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, रजाक ने कहा। हाँ हाँ कहो। शिरान की तलाश के सिलसिले में जो कार्रवाई की जा रही है मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ। मैं भी कहाँ मुतमिन हूँ, रजाक खान को ऐसी तरकीब समझ नहीं आती जो कारामद हो। इसकी तलाश की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो हिंदुस्तान की वसूतों में गुम हो गया है। इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं है कि आसानी से अपना निशाना छोड़ जाए। अगर कोई मुनासिब तरकीब तुम्हारे जहन में आती है तुम्हें बताओ। मैं शिरान के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। वो फितरतन किस किस्म का आदमी है? रबजान में तुमने इसके बारे में तफसीलात सुनी होगी। ऐश परस्त था, जिंदगी की उन दिलचस्पियों में हिस्सा लेता था जो आम निगाहों में अच्छी नहीं समझी जाती। शिकार और आवारगी उसका दिलचस्प मशगला था। यही मालूम करना चाहता था मैं आपसे, क्या ये मुमकिन है भाईजान के शिरान में किसी ऐसी जगह दस्तयाब हो सके जो तफरीही जगह कहलाती है? मेरा मतलब है इसे नाच गाने का शौक था तो क्या यहाँ आकर उसने अपनी दिलचस्पियों को तर्क कर दिया होगा? नुमान खान गहरी निगाहों से रजाक खान को देखने लगा। फिर उसने कहा, मजीद तफसील बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारे जहन में? क्यों ना उसे ऐसी जगहों पर तलाश किया जाए, रजाक खान ने कहा और नुमान खान उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। उसके होंठों पर एक बिखतर मुस्कुराहट आने वाली थी, उसने उसे रोक लिया। रजाक खान का मतलब बखूबी समझ गया था, चुनांचे उसने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने तौर पर कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हो, मुझे एतराज़ ना होगा। हाँ मैं चाहता हूँ कि जो मिशन आपके सपूत किया गया है इसकी तकमील में मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो तुम अपने तौर पर काम शुरू कर दो, लेकिन सुनो, कोई भी रात तुम यहाँ से बाहर नहीं गुजारोगे और दिन भर की कार्रवाइयों के बारे में मुझे रिपोर्ट दोगे। और अगर भाईजान रात को वापसी में देर हो जाए तो? देर गवारा की जा सकती है लेकिन गुमशुदगी नहीं, नुमान खान ने कहा और रजाक खान गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। तुम अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, आज ही से अपनी कार्रवाइयों को आगाज कर दो, नुमान खान ने कहा और जेब से नोटों की गड्डी निकालकर रजाक खान की तरफ उछाल दी। इस सिलसिले में तुम्हें रकम की जरूरत होगी, इसे ले जाओ और अपना काम शुरू कर दो। रजाक खान ने शुक्रिया के साथ नोटों की गड्डी जेब में ठोंसी और बाहर निकल गया। नुमान खान के होंठों पर बेख्तर मुस्कुराहट फैल गई। जहाँ दीदा शख्स था, जिंदगी को बहुत करीब से देखा था, इसलिए जानता था कि रजाक खान ने चलाकी इससे क्यों की है। ये आकर उसकी तफरीहात महदूद हो गई थी और जाहिर है जिन तफरीहात के ये लोग आदि हो गए थे। नुमान खान अपने भाइयों से बेपना प्यार करता था, इसके अलावा इनका था ही कौन। चुनाव इसका दिल नहीं चाहता था कि अपने भाइयों को जिंदगी की तफरीहात में हिस्सा लेने से रोके। वो रजाक खान की चलाकी पर मुस्कुराता रहा और फिर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। उसे नींद आ रही थी। रजाक खान से मुलाकात दूसरी सुबह ही हो सकी थी। उसने इसके रात की मसरूबियत के बारे में कोई सवाल नहीं किया और मुंतजर रहा कि रजाक खान खुद ही सिलसिले में कुछ बताए, लेकिन रजाक खान ने उसे कुछ नहीं बताया था। नुमान खान नाश्ते के दौरान अखबार भी देखता जा रहा था। अखबार देखते देखते दफ़तन इसकी निगाह एक खबर पर पड़ी और चाय की प्याली उसके हाथ से गिरते गिरते बची। उसने चाय की प्याली रखी और अखबार की इस खबर पर निगाहें जमा दी। ये खबर एक डाके के मुतल्लिक थी, एक दूसरे शहर में डाला गया था। डाके की तफसीलात जो बेहद होलनाक थी। डाकू एक तो उसने बैंक में दाखिल होकर 12 इंसानों को कत्ल कर डाला था और लाखों रुपए ले उड़ा था। वहाँ मौजूद लोगों ने डाकू के बारे में जो तफसीलात बताई थी उसे पढ़कर नुमान खान दंग रह गया। डाकू की शक्लो सूरत और हुलिया शीरान ही का था। इस बात का नुमान खान को यकीन हो गया था। ये पहला मौका था कि नुमान खान को हिंदुस्तान में शीरान की मौजूदगी का पहला निशान मिला था। दूसरे लम्हे अखबार रखकर वो तेजी से टेलीफोन की जानब दौड़ा और सियाराम से रबता कायम करने लगा। चंद ही लम्हात के बाद सियाराम से रबता कायम हो गया। सियाराम अपने घर ही से बोल रहा था। मैं नुमान खान बोल रहा हूँ सियाराम, तुम भी सोचते होगे कि मैंने तुम्हें परेशान कर डाला है। नहीं जनाब, मुझे हदायत दी गई है और मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको हर तरह की सहूलत मुहैया पहुँचाऊँ। फरमाइए क्या बात है। मैं आज के अखबार की तरफ से तुम्हारी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। क्या तुम अखबार पढ़ चुके हो? हाँ तकरीबन। इसमें एक डाके की तफसीलात हैं। जी हाँ, एक छोटी सी खबर है तो सही। डाकू कोहले तुमने नोट किया? मैंने गौर नहीं किया जनाब। तो फिर गौर करो सियाराम, अखबार मंगवा लो, नुमान खान ने कहा और सियाराम ने उसे होल्ड करने के लिए कहा। चनमात के बाद सियाराम की पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। ओ जनाब, आपका मतलब है वो डाकू, वो कबैली भी हो सकता है?
बिलाशुबा जिस सुर्खुस पर लंबे चौड़े आदमी का तस्करा किया गया है उसका विलय शीरान से मिलता जुलता है। क्या तुम इस सिलसिले में मालूमात हासिल नहीं कर सकते सियाराम? क्यों नहीं, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी तवज्जो इस तरह मबजूल करा दी। अगर आप मुझे फौरी इजाजत दे तो बेहतर है, मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में देर ना करें। सियाराम, फौरी तौर पर इसकी तफसीलात के बारे में मालूम करो और ये अंदाजा लगाओ कि वो कहाँ है। मुझे यकीन है कि जो बहीमत और दरिंदगी इस डाके के सिलसिले में दिखाई गई है वो शीरानी की फितरत खासा है। इतने कतल शीरान के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, जबकि खबर के मुताबिक डाकू अकेला था। और यूँ भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डाका डालते वक्त इंसानी ज़िंदगी को इस तरह फरामोश कर देते हैं। डाके डाले तो जाते हैं सियाराम, लेकिन देखा यही गया कि डाकू इनतहा नागुजीर सूरत हाल की बिना पर एक दो आदमी को ख़त्म करके भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस दरिंदगी और खौफनाक अंदाज में इस बैंक में कत्लेआम किया गया है उस चीख चीख कर ये इशारा करता है कि शीरान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। आप मुतमैन रहें, मैं तफसीलात मालूम करके आपको इत्तला देता हूँ। रोमान खान बेहद पुरजोश हो गया था, हिंदुस्तान से भी इसकी इस कदर वाकफियत नहीं थी कि खुद भी दौड़ पड़ता और इस सिलसिले में कोई कार्रवाई अमल में लाता। उसे बेचैनी से सियाराम की टेलीफोन कॉल का इंतजार था। ये इंतजार उसे तकरीबन डेढ़ घंटे तक करना पड़ा। इस दौरान रजाक खान इसके साथ ही रहा और नुमान खान से गुफ्तगू करता रहा, और ये मालूम करने के बाद के शीरान का कोई निशान सामने आया है वो भी काफी पुरजोश हो गया था। आप मुतमिन रहे भाई साहिब, मैं इंतहाई कोशिश करूंगा कि उसे तलाश कर सकूं। अगर ये डाका शीरानी ने डाला है तो इसका मकसद है कि इसकी माली जरूरत पूरी हो गई है और अब वो तफरीहात में हिस्सा लेगा। तुम अपना काम जारी रखो, अगर कोई खास बात हो तो मुझे इत्तला देना, वरना इस सिलसिले में इत्तला देने की जरूरत नहीं है, नुमान खान ने कहा और रजाक खान ने गर्दन हिला दी। डेढ़ घंटे के बाद उसे सियाराम का फोन मौसूल हुआ। सियाराम ने डाके के बारे में मुकम्मल तफसीलात फराहम की थी। इस डाकू का हुलिया भी सियाराम ने दोहरा दिया था जो अखबारी में छपे हुलिया के ऐन मुताबिक था। सियाराम ने कहा कि उसने अपने चार आदमी फौरी तौर पर वहां रवाना कर दिए हैं, मजीद मालूमात लेकर यहां पहुंचेंगे। वैसे अंदाजा हो गया कि अगर वो डाकू शीरानी था तो अब वो उस शहर में नहीं है, वहां से निकल चुका है। यह अंदाजा नहीं हो सका कि उसने कौन सा रुख इख्तियार किया है। नहीं जनाब, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस शहर से अगर कोई सही मायने में अपनी पोजीशन महफूज रखने के लिए फरार होना चाहे तो फिर दिल्ली के अलावा और किसी तरफ का रुख नहीं करेगा। इसका मकसद है कि इस बात की तवक्को की जा सकती है कि शीरान दिल्ली में हो। जी हाँ, मजीद मालूमात मेरे आदमी वहाँ से वापस आकर मुझे फराहम करेंगे, लेकिन आप इस बात को नज़रअंदाज न करें। डाके को जितना वक्त गुजर चुका है इसके बाद शीरान ने अपना सफर मुसलसल जारी रखा है, तो यकीनन वो इस वक्त दिल्ली में होगा। तो फिर सियाराम, तुम्हें इन तमाम कार्रवाइयों के साथ एक और कार्रवाई भी करना है। हुक्म दीजिए जनाब, अपने बेहतरीन आदमी दिल्ली के चप्पे चप्पे पर फैला दो। एक एक शख्स की निगरानी करें जहाँ तक मुमकिन हो सके, और शख्स को जेहन में रखें और ऐसे लंबे चौड़े कबायली को जेहन में रखें जो सूर्य पर पूरा उतरता हो। बहुत बेहतर, आपकी हदायत पर अमल किया जाएगा, सियाराम ने जवाब दिया और नुमान खान खामोश हो गया।